हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको जेयू के अंदर सीट मिलने वाला है। अच्छा सर, जो जनरल स्टूडेंट होते हैं ना, उनको एक आइडिया होता है कि अगर उनका रैंक अंडर 1 के 1.5 के आया तो जेयू मिल जाएगा कन्फर्म। लेकिन जो कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको आइडिया ही नहीं चल पाता कि मेरी कैटेगरी में कितने लास्ट कट ऑफ होगा, कहां तक रैंक जाएगा जेयू का, क्या कट ऑफ जाएगा। कैटेगरी स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को प्रोसीड करेंगे आगे, इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका रैंक अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ रहा है तो नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, ये स्क्रॉल भी हो रहा होगा, उसमें भी जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मेरा ही है, ठीक है। उस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपकी फैमिली एफोर्ड कर सकती है तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो यहाँ के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म होगा, आप गूगल फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। गूगल फॉर्म फिल करते ही हम लोग आपसे कॉन्टेक्ट करके अच्छे से क्लियर कर देंगे कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या सीन है, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं इस वीडियो को। कट ऑफ फॉर ईच कैटेगरी स्टूडेंट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप का कॉलेज है वेस्ट बंगाल। तो देखिए पूरा कट ऑफ लिस्ट लेकर आया हुआ हूं, ठीक है। सभी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है, तो सभी कैटेगरी स्टूडेंट आप अच्छे से देख सकते हो कि कहां तक आपको जेयू में सीट मिल सकता है जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर, दैट इज आपका सीएससी ब्रांच, ठीक है। तो उसके लिए आइए देखते हैं कट ऑफ आपका क्या क्या रहने वाला है जी, ठीक है। तो सीएससी की बात करें तो अगर आप जनरल हो, जनरल के लिए सबसे पहले बात करेंगे, और एएल मतलब आउटसाइडर के लिए बात हो रही है, ठीक है। अगर आप आउटसाइडर हो तो ये अच्छा सर, ये कट ऑफ कब का है, कौन से ईयर का कट ऑफ है, 2021 जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वैसा ही कट ऑफ इस बार भी रहेगा, तो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पिछले बार अगर बात करें तो आउटसाइडर के लिए 1 से 7 में सीएससी क्लोज हो गया था, जी हाँ, ठीक है। अगर आपका अंडर रैंक 7 था, सीएससी क्लोज हो गया था, ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है। अच्छा सर, होम स्टेट वालों के लिए अंडर 61, तो अगर आपका अंडर रैंक 60 आया है तो अगर आप होम स्टेट से हो, वेस्ट बंगाल से हो, आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा जादवपुर के अंडर। आउटसाइडर है तो सर अंडर 10 रैंक, उसमें भी 7 पे ही क्लोज हो गया था, ठीक है। तो अंडर 10 रैंक है तो आप कंप्यूटर साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इसे, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एससी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एससी शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अगर बात करें तो, चूंकि आउटसाइडर के लिए तो सभी जनरल ही होते हैं, तो इसलिए होम स्टेट की बात करें तो 542, मतलब अगर आपका 500 रैंक है, 500 के अंडर रैंक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो कि आपको सीएससी मिल जाएगा जेयू में, ठीक है। अच्छा सर, एसटी के लिए, एसटी के लिए अगर आप अंडर 300 मतलब 3000 के अंडर हो तो, या 4000 के अंदर भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब अगर सर मैं 4000 के अंडर हूं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो कंप्यूटर साइंस एक्सपेक्ट कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना जी। चलिए अब देखते हैं, अब बात करते हैं अगर आप जनरल पी हो तो, ठीक है। अगर आप जनरल पी हो तो आपका 840 तक लास्ट कट ऑफ जा रहा है, आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपका रैंक 900 के अराउंड में है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी ए वालों के लिए, ठीक है। ओबीसी में भी दो कैटेगरी होते हैं, आपको पता है, एक ए और एक बी, ठीक है। तो ओबीसी ए की बात करें तो अगर आपका रैंक 800 के अराउंड है, मतलब 800 के अंदर है, तो आपको सी कंप्यूटर साइंस मिल सकता है जी, ठीक है। अच्छा, ओबीसी बी के लिए सर 185, ठीक है। 185 के अगर नियर है, मतलब 200 के करीब आपका रैंक है, 200 के अंडर, तो आपको मिल सकता है जेयू के अंडर कंप्यूटर साइंस। देखो वीडियो लेंदी होगा क्योंकि सभी कैटेगरी को मुझे एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो लेंदी होगा ही होगा, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं टीएफडब्ल्यू के लिए, तो टीएफडब्ल्यू 78 के अंदर क्लोज हो जाएगा, आप टीएफडब्ल्यू देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपको, अब बात करते हैं जी ईसी ब्रांच, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो जनरल अगर आप होम स्टेट के लिए हो तो 161, ठीक है, कट ऑफ गया है आपका, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेना। अब बात करें अगर आप आउटसाइडर हो तो 66 आप देख सकते हो, अगर आप हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, ठीक। अच्छा सर, अगर मैं एससी कैटेगरी से हूं तो फिर 1405 देख लो आप यहाँ पे, अगर आपका रैंक 1500 के अराउंड है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो वो सारे स्टूडेंट जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरा 1500 रैंक है, क्या मुझे कोई जेयू में ब्रांच मिलेगा, मिल जाएगा जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, आप देख लीजिए, ठीक है। अब आप कमेंट करके प्लीज मत पूछिएगा कि मेरा सर रैंक 1500 है, मुझे जेयू मिलेगा या नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियोज लाया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए अगर एससी एसटी कैटेगरी हो तो फिर यार 7471 8000 रैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जनरल आईपी की बात करें तो 3062 आप देख सकते हो, ओबीसी ए हो तो फिर 2538 मतलब 2500 2500 के अराउंड रैंक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा
ओबीसी ए वालों के लिए, ठीक है। अच्छा बी हो तो बी वाले के लिए 357, ठीक है। देखो जनरल के लिए और ओबीसी बी वालों के लिए ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। और टीएफडब्ल्यू हो तो 263, ठीक है, टीएफडब्ल्यू वालों के लिए 263, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक। कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब कैसे कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जेयू में, ये देखते हैं। आइए, अगर आप जनरल हो तो 345, मतलब 350 के राउंड, अगर आपका 350 के नीचे रैंक है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा जी, जनरल हो तो, ठीक है। आउटसाइडर की बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं सॉरी, होम स्टेट का है ये, होम स्टेट, ठीक है। आउटसाइडर के लिए तो 154, मैं एक बार लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि कितना रैंक है आउटसाइडर के लिए तो जेयू मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि सीट्स रिजर्व होते हैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए, इसीलिए देखो इनका कट ऑफ 345 होम स्टेट वालों के लिए और 154 ही आउटसाइडर के लिए, ठीक। अच्छा एससी है तो सर फिर आपका 2295 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, 2300 के करीब आपका, 2300 के अराउंड आपको रैंक चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अच्छा एसटी हो तो सर देखो एसटी में कितना ज्यादा गैप है, 10,000 के अराउंड, ठीक है। अगर आपका रैंक 10,000 के अराउंड है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है जादवपुरी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा जनरल आईपी वालों के लिए सर क्या सीन है, जनरल आईपी वालों के लिए अंडर 6,000 मान के चलो, ठीक है, 6,000 अंडर मान के चलो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक। अच्छा ओबीसी ए वालों, ओबीसी वालों देखो यहाँ पे 3,438, ठीक है, तो अगर आपका रैंक 3,500 के करीब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी बी वालों के लिए 764, मतलब 800 के अराउंड अगर रैंक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक। टीएफडब्ल्यू 406, ठीक है, 406, ठीक। चलिए मूव करते हैं आगे, अब देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या सीन है जी। तो अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, तो 230 के अराउंड आपका क्लोज हो जाए। अब देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा जनरल एस सी एस टी ऊपर जा चुका है, ठीक है, मैंने स्क्रॉल किया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से सुन लेना। ये जो 230 आप देख रहे हो ये आउटसाइडर के लिए, अगर आप जनरल हो और सॉरी होम स्टेट के हो तो ये आपका 230 के अराउंड आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर आउटसाइडर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 92 के अराउंड क्लोज हो जा रहा है, मतलब अगर आपका रैंक अंडर 100 है तो आपको आईटी मिल जाएगा किसके अंदर सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अच्छा सर ये कॉलम 1490 ये किसका अराउंड है आपका, ये एससी का है, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एससी के लिए है, ठीक है। अगर आप एससी हो 1500 के अराउंड रैंक है तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, ये एसटी का है, मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका रैंक 5344 के राउंड में है तो आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। ये जनरल आईपी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ तो आपको दिखे, जनरल आईपी बोल रहा हूँ, सॉरी जनरल पी, ठीक है, ये जनरल पी का है। अगर आपका रैंक अराउंड 8000 के अराउंड है तो आपको आईटी मिल जाएगा जी, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ये कैटेगरी, ये कौन सा कैटेगरी था, ओबीसी, ओबीसी ए था, मैं ए से दिखा देता हूँ आपको, ओबीसी ए, ठीक है, 2000 के अराउंड अगर आपका रैंक है तो आईटी मिल जाएगा। ओबीसी बी की बात करूं तो 500 के अराउंड आपका रैंक होना चाहिए। देखो जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है प्लीज अपना रैंक मार्क कर लेना, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, अगर ओबीसी बी हो आईटी चाहिए 500 के अराउंड आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बात करते हैं ये किसका था, ये था आपका टीएफडब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ टीएफडब्ल्यू, ठीक है, तो 300 के अराउंड अगर आपका रैंक है तो आपको आईटी मिल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। तो ध्यान से देखते हैं जी सिविल इंजीनियरिंग का क्या सीन है। तो अगर आप होम स्टेट के हो तो 1000 मतलब 1.1 के अराउंड अगर आपका रैंक है, ठीक है, 1100 के आसपास अगर आपका रैंक है 1100 तो आपको सिविल मिल जाएगा, होम स्टेट होना चाहिए, जनरल होम स्टेट, ठीक है। अच्छा जनरल आउटसाइडर तो 500, देखो नियर आप हाफ है यार, बिल्कुल हाफ है, ठीक है, तो आउटसाइडर वाले सोच सकते हो 500 के अराउंड आपका रैंक है सिविल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर ये क्या था आपका एससी, देखो ऊपर लिख देना एससी, आप एससी कैटेगरी हो तो फिर आपका रैंक कितना करना पड़ेगा जी, रैंक कितना पड़ेगा, बस 6174, मतलब 6000 के अराउंड रैंक है सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है। एसटी का तो यार खूब यार 23 के लाओ और सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और ये बात करते हैं जनरल पी की, तो जनरल पी के लिए 30,000 के अराउंड अगर आपका रैंक है जनरल पी तो आपको आराम से मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा बात करते हैं ओबीसी ए की, तो ओबीसी ए 7,000 के अराउंड सिविल पा जाओगे, ठीक है। ओबीसी बी देखो ओबीसी बी हो तो 2.2 मतलब 2,000 के करीब आपका रैंक है तो आराम से आपको सिविल मिल जाएगा, ठीक है। और टीएफडब्ल्यू हो तो 1500 के अराउंड आपका रैंक होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे तीन हो गए, एक टेलीकॉम वाला, एक ये इंस्ट्रूमेंटेशन है और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। तो इसमें जल्दी से देख लेते हैं, आउटसाइडर हो सॉरी होम स्टेट हो 500 के करीब रैंक, ठीक है, होम स्टेट हो 250 नियर अबाउट हाफ, ठीक है, नियर अबाउट हाफ। एससी हो तो 2.7 के, अब मैं थोड़े जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। और एसटी हो तो 11 के अराउंड आपको रैंक चाहिए, ठीक है। अच्छा जनरल पी 15 के, ठीक है। और ओबीसी ए हो तो 3.6,
3.6K के अराउंड अगर आपका रैंक रहा ओबीसी ए हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, ठीक ना जी। अच्छा ओबीसी बी की बात करें तो 1000 के अंडर रैंक ला दो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा और बात करें टीएफडब्ल्यू की तो 523 के अराउंड आपको रैंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, होम स्टेट 572, 500 के करीब रैंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 3556 आउटसाइडर के लिए, ठीक है। एससी हो तो 4000 के अराउंड रैंक चाहिए, एसटी हो तो 17000 के अराउंड रैंक चाहिए आपको, ठीक है। जनरल पी 22000 और ओबीसी ए की बात करें तो 5500 के करीब रैंक चाहिए आपको, जनरल ए ओबीसी ए हो तो, ठीक है। ओबीसी बी हो तो 1200 के अराउंड आपको रैंक, तो टीएफडब्ल्यू हो तो आपको 677 के करीब में, मतलब 600 के आसपास रैंक है तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फार्मेसी कोर्सेज के लिए है, आप यहाँ पे फार्मेसी कोर्सेज के लिए देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ, फार्मेसी कोर्सेज के लिए आप खुद ही देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, तो 700 के अराउंड आपको मिल जाएगा होम स्टेट हो तो, ठीक है, जनरल। और आउटसाइडर के लिए 500 के अराउंड, एससी कैटेगरी हो तो 5.5 के समथिंग अराउंड रैंक रहा तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एसटी हो तो 22000, ठीक है। जनरल पी के लिए 11000, बाकी बात करें अगर ओबीसी ए की तो 5.8 और ओबीसी बी हो तो 1500 के अराउंड रैंक चाहिए, ठीक है। और टीएफडब्ल्यू हो तो 1000 के अराउंड रैंक चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सभी लोअर ब्रांचेस की, दैट इज आपका ये सभी लोअर ब्रांचेस जो है, दैट इज आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, पावर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, और इसके अलावा एक और होगा आपका, दैट इज आपका एक और होगा आपका प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। और फुटटेक भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, तो वीडियो को एंड तक देखना यार, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए देख सकते हो, अगर आप आउटसाइडर हो तो देखो, अगर आपका रैंक 17, देखो 17 यहाँ पे देख लो, मैं दिखा देता हूँ, 17 के अराउंड है, ठीक है, 1760 है, मतलब अगर 1700 के आसपास आपको रैंक है तो जेयू मिल जाएगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी देख सकते हो, ठीक है। तो होम स्टेट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, होम स्टेट वालों के लिए, कि अगर आप जनरल हो तो 1700 कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा आपको, 1300 के पावर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, 1100 हो तो मेटलर्जी मिल जाएगा, और 900 हो तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा आउटसाइडर के लिए सभी ब्रांचेस 765 तक, 800 के अराउंड आपको रैंक करना पड़ेगा, तब जाके कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं अगर एससी के अराउंड तो 88, मतलब 8800 के करीब रैंक है आपको, तो आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पा सकते हो। तो वो स्टूडेंट जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी किस रैंक तक मिलेगा, तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी तक चाहिए तो 8800 तक रैंक कर जाओ, ठीक है, ये सभी आप देख लेना, ठीक। अच्छा एसटी वालों यहाँ देखो 33000 तक वो मिल जाएगा, ठीक है, 33000 वालों तक के लिए भी मिल जाएगा सभी लोअर ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा और जनरल पी वाले के लिए बात करें तो 42000 पे आपको लोअर ब्रांचेस मिल जाएंगे, ये देख लो, देख सकते हो आप, ठीक है। और बात करें ओबीसी ए कहां तक मिल सकता है, सर 11000 के करीब आपका रैंक है तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ओबीसी बी की बात करें तो 2600, मतलब 3000 के आसपास रैंक रहा तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है। टीएफडब्ल्यू 2200 के करीब रैंक, 2200, ठीक है। अच्छा नीचे कुछ और ब्रांचेस है उनकी भी मैं बात कर लेता हूं आपके सामने, ठीक है। तो इसमें देखो अगर प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो फिर 2500 आउटसाइडर के लिए नहीं है, होम स्टेट वालों के लिए, होम स्टेट वालों के लिए ये है, ठीक है। और आउटसाइडर वाले के लिए ये है आपका जनरल हो तो 1000। अच्छा सर जनरल हो, बात सुनिए सर, जनरल हूँ, जादवपुर में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे ब्रांच कोई भी मिले चलेगा, कहां तक रैंक लाऊं सर, 1200 के करीब रैंक, 1200 के अराउंड अगर आपका रैंक रहा, ठीक है, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, 1200 लास्ट, अगर 1200 क्रॉस कर गया हो तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग तक मिल सकता है, ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आउट सर होम स्टेट हूँ, मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी चाहिए तो 3000 के अराउंड रैंक, 3100 बोल देता हूँ, इसके अराउंड रैंक है, मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। एससी की बात करें तो 10000 के अंदर, 10000 के अंदर अगर एससी हो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एसटी हो तो 36000, 37 बोल देता हूँ इसको, 37000 के अंदर हो जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर जनरल पी हो तो जनरल पी वाले के लिए क्या, अभी ऊपर दिखाए थे एक ब्रांच, तो 42000 के अंडर आपका रैंक है तो जनरल पी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ओबीसी ए की बात करूं तो ओबीसी ए देखो ऊपर दिख रहा है ना एक यहाँ पे 13163, मतलब 14000 के अंडर आपका रैंक है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ओबीसी ए होना चाहिए। अच्छा ओबीसी बी का क्या सीन है सर, 4K के अंडर अगर आपका रैंक है, 4000 के अंडर ओबीसी बी हो जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है, स्पॉट राउंड, ठीक है। अच्छा टीएफडब्ल्यू वाले के लिए क्या सीन है सर, 3K के अंडर रैंक होना चाहिए, 3000 के अंडर अगर आपका रैंक है टीएफडब्ल्यू हो तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा जी, ठीक है। तो मैंने सभी ब्रांचेस का एक्सप्लेन कर दिया, इसका लिंक भी मैं, जो ये लिंक है पूरे कट ऑफ का लिस्ट का, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर उस पर भी देख लेना अच्छे से, ठीक ना जी।
तो आप सभी स्टूडेंट के लिए दो अपडेट है, एक तो जिनका रैंक अच्छा नहीं आया है वो गूगल फॉर्म जाके फिल कर लो, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा क्या है, जिन भी स्टूडेंट को काउंसलिंग समझ में नहीं आता है, WBCI का काउंसलिंग का कोई आइडिया नहीं है, खुद से काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हो, तो हम लोग आपका काउंसलिंग कर रहे हैं इस बार, जिसके लिए आपको सिर्फ ₹150 चार्ज लगेगा, गूगल फॉर्म नीचे है जाके फिल कर लो, गूगल फॉर्म फिल करते टाइम एक भी पेमेंट नहीं लगेगा, फिर से सुन लो ठीक है। जैसे ही हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे पूरा आपको प्रोसीजर बता देंगे क्या रहने वाला है पेड काउंसलिंग का सीन, आपको जब अच्छा लगे कि हाँ मुझे करवाना चाहिए फिर आप ₹150 पे करना चाहिए ठीक है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं कल के लाइव सेशन में 7:30 में, मैं फिर से लाइव सेशन आऊंगा, इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपके मन में चल रहा है WBCI के रिगार्डिंग तो आप मुझसे लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हो जी ठीक है। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना जी ठीक है।